नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने अक्सर देखा है लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर बहुत अच्छे वकीलों ने भी उस पर मेहनत नहीं की, और ये मेहनत कब होती है, जब कई बार तो होती ही नहीं है, 498A या झूठे रेप के केस, या फिर 370 जो ओरल सेक्स से रिलेटेड केस है, या छेड़छाड़ का केस 354, इसमें अक्सर ऐसे तरीके से गवाह बनाए जाते हैं झूठे केसेस के अंदर कि आप इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, उनकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए, और उनके इसमें आपके प्रति किस तरह के इंटरेस्ट हैं ये भी डिसाइड होना चाहिए। जी हाँ, इंटरेस्टेड विटनेस आज का मैटर है, आज का टॉपिक है। कितना ज़बरदस्त फायदा दे सकता है आपके केसेस को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक झूठा केस फेस कर रहे हैं, अगर आपने आज इसका सोल्यूशन समझ लिया, तो एक ही बार में आप चाहें तो आसानी से इस पूरे केस को खारिज करवा सकते हैं। उल्टे आप सामने वाली पार्टी के ऊपर एक ज़बरदस्त सेक्शन के साथ केस डाल सकते हैं और उसे जेल भी भिजवा सकते हैं पूरे षड्यंत्र के अंदर। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने के लिए ही हम कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज क्या है, ये एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जो कि लॉ की समझ देता है। वो लोग जो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और सही समझ नहीं होने की वजह से अक्सर अपने केसेस में दोराहे या चौराहे पे खड़े रहते हैं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, पीछे जाऊं, आगे जाऊं, कहां जाऊं या नहीं जाऊं, और इस सूरत में जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, तब यही कोर्सेज उनको डायरेक्शन दे रखाते हैं। जो केस 10 साल चलते हैं, वो कुछ महीनों में आसानी से खत्म किए जा सकते हैं। काफ़ी लोग इन कोर्सेज का हिस्सा हो चुके हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन कोर्सेज से लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं, और यही एक अच्छी चीज़ है जो इन कोर्सेज के अंदर शुरू से ही आदमी को ज्वाइन करते कॉन्फिडेंट बना देती है, क्योंकि अब उसे ये पता रहता है कि मेरे जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, और वो लोग बड़े आसानी से अपने केसेस को डील कर पा रहे हैं। समस्याएं सबके सामने होती हैं, परेशानियां सबके सामने होती है, पर अगर सॉल्यूशन होता है तो फिर हंसते खेलते आदमी इन चीज़ों को डील करने लग जाता है। इन्हीं कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज डालिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और उसके बाद उन्हें देखिए, समझिए, और आपको ज़रूरत लगती है तो फिर इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर कोई कानूनी समस्या आपके सामने है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इसी नंबर पर मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स देंगे, उसी के थ्रू फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और मैसेज के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि हाँ, इस टाइम पर आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म है, और दिए हुए टाइम पर मेरा कॉल आएगा, आपसे बात होगी, समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आज आपको बताता हूँ, अक्सर 90% से लेकर 95% केसेस में जो झूठे केसेस होते हैं, उनमें मैंने अक्सर देखा है 498A के केस में या DV के केस में या 125 के केस में, कि अक्सर वहाँ पर गवाह किन्हें बना दिया जाता है। सबूत तो वैसे भी झूठे केस में कोई दे नहीं सकता, क्योंकि देगा कहाँ से, सबूत तो होते ही नहीं है। तो गवाह उन्हें बना दिया जाता है जो लड़की की तरफ के पक्ष के होते हैं। तो अगर हम इसे 498A से समझने की कोशिश करें, तो 498A में जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं पुलिस को, वो इस तरह से है ही नहीं कि लड़की के घर वालों को तब तक पार्टी नहीं बनाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जो है, जो गवाही जिसकी मान्य है, जिसकी सर्वोपरि है, जिसको माना जा सकता है, वो है आपके अड़ोसी पड़ोसी। यानी कि ये कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम है, ये लगातार चलने वाली क्रूरता है। जब लगातार चलने वाली क्रूरता है, तो ये तो एक दिन में तो हुई नहीं, इसका एक सिस्टम चला है, रेगुलर चला है। तो किसी के घर में किसी औरत को मार रहे, पीट रहे हैं, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह की कहानियां वो लिख लिख के लेके आती हैं, तो क्या अड़ोसी पड़ोसी ने कभी नोटिस नहीं किया? धक्के देके घर से बाहर जब निकाला गया होगा, तो क्या अड़ोसी पड़ोसी ने कभी नोटिस नहीं किया होगा? अब इनको तो साइड कर देते हैं पुलिस वाले, नक्शे की कॉपियां लगाते ही नहीं आपके घर की, जिस घर के अंदर बात की जा रही है, क्योंकि नक्शे का हवाला इसलिए दिया जाता है कि भाई पत्नी जो घटना बता रही है कि इस दिन यहां मारा, ये होता था, तो उसको कम से कम उससे तस्दीक तो करेंगे। इसके अलावा भी नक्शा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन सा पड़ोसी कहां रहता है। अब आ जाते हैं आपकी पत्नी के गवाहों की, अक्सर कौन होते हैं? सबसे पहले तो माँ बाप तो हमेशा ही बनते हैं, भाई बहनों को बना लिया जाता है, चाचा ताऊ मामा मामी बन जाते हैं, या फिर आपके पत्नी के दोस्त बन जाते हैं, दूर के ऐसे रिश्तेदार बन जाते हैं जो पत्नी के साथ ना तो आपके शहर में रहते हैं और ना ही उसके पीहर में रहे हैं कभी। अब अक्सर जब इन गवाहों की गवाही लगाई जाती है, तो एक लाइन लिख दी जाती है कि जब वो पीहर आई तो उसने हमें बताया कि मेरे साथ क्रूरता होती है, बस और कुछ नहीं, ना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, ना कुछ है। मजे की बात यह है कि मैंने एक दो जगह इस तरह की चीज़ें की, एक दो केसेस में इस तरह की चीज़ें की, वहाँ पर जो पत्नी के तरफ से माता पिता ने जो गवाही दी, तो पिता से पूछा गया कि जब आपकी बेटी इस तरह की शिकायत लेके आपके घर आई, तो आपका खून नहीं खोला, आपने पलट के अपने दामाद को फ़ोन नहीं किया? जवाब था नहीं। तो फिर आपने क्या किया? सीधे उठाया और मैं तो पुलिस स्टेशन ले गया। देखिए, बिना मीडिएशन के 498A की FIR लॉन्च नहीं हो सकती है,
और यहाँ पर जो पिताजी हैं उन्होंने कोई मीडिएशन कराना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो तो तत्पर थे अपनी बेटी का घर तोड़ने के लिए। अब इंटरेस्टेड विटनेस का पैटर्न समझते हैं। ये लोग होते हैं इंटरेस्टेड विटनेस, इनको अक्सर इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाता है। इंटरेस्टेड विटनेस में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब जो आपकी पत्नी में इंटरेस्टेड है, नहीं, इंटरेस्टेड विटनेस का ये होता है कि हम उसे इंटरेस्टेड विटनेस कैसे साबित करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी के घर वाले हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, वो आपको घर पहुंचने के बाद आपकी बीवी के डरा रहे धमका रहे, हम तुम पे केस कर देंगे, अगर केस किया तो सारे के सारे जेल में फंस जाओगे, इसलिए समझौता करके और हमें कुछ पैसा दे दो। या पहले कभी आपके साथ उनका झगड़ा रहा हो, जान से मारने की धमकी दी हो, या आपको गुस्से गुस्से में कोई झगड़ा हो गया और काफ़ी टाइम से आपकी अनबन चल रही हो, तो ये इंटरेस्टेड विटनेस वो हुए जो आपका अहित चाहते हैं, जिनका आपको नुकसान करने से फ़ायदा है। अब यहाँ वो लोग सवाल लेके खड़े हो जाएंगे कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, फिर कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है। आप वहाँ पर ये चीज़ बताइए कि FIR किसने लिखाई। तो हो सकता है कई बार लड़की नहीं लिखवाती, लड़की के फादर लिखवाते हैं, मदर फादर लिखवाते हैं, तो उस सूरत में भी उनको इंटरेस्टेड विटनेस माना जा सकता है कि ये तो दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही गवाही दे रहे हैं और ये खुद ही FIR करा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये भी चीज़ मानी जा सकती है कि आप उसके अंदर ये पूछिए कि जो सामान है ये स्त्री धन है, और ये जो सामान खर्चा बताया जा रहा है, ये जो पैसा है वो आपके अकाउंट से आया है, तो इसका मतलब ये सारा जब पैसा रिकवर किया जाएगा लड़के वालों से, तो ये सारा पैसा आप ही को मिलेगा ना? तो वो पक्की बात कहेंगे हाँ मुझे मिलेगा। तो वो इंटरेस्टेड विटनेस हो गए, उनका इंटरेस्ट है कि ये केस किसी तरह से उलझ जाए और इसके अंदर से जो पैसा निकल कर आए वो मुझे मिल जाए, तो इस लालच में वो इंटरेस्टेड विटनेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर और लोग भी आ सकते हैं, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं आपको, उनको इंटरेस्टेड विटनेस मान लीजिए, वो कहते हैं भाई हम तो आपसे कभी मिले ही नहीं, तो पहली बात तो उनकी गवाही वैसे नहीं बनती है, दूसरी चीज़ उनकी गवाही इस तरह से भी नहीं बनती है कि भाई तुम कब थे घटना पर, क्योंकि अगर क्रूअल्टी हुई है, मान लीजिए जैसे मैं इंटरेस्टेड विटनेस की बात पहले एक दूसरे उदाहरण से देता हूँ, एक बच्चा है, उसके पिता की उसके सामने हत्या करने की कोशिश की गई या मार दिया गया, दोनों सूरत में कुछ भी हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर हुआ, तो वो बच्चा वहां उपस्थित था और वो बच्चा गवाही दे रहा है, वो लोगों को पहचान पा रहा है, अनजान लोगों को, इन्होंने मारा, इन्होंने मारा, इन्होंने मारा, और वहां पर उसको इंटरेस्टेड विटनेस नहीं माना जाएगा, फिर उस इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही मान्य होगी बावजूद इसके कि उन दोनों में पिता पुत्र का रिलेशन है। पर यहां पर अगर कोई इस तरह से इंटरेस्टेड विटनेस बन रहा है तो उसका उस घटना स्थल पर या तो होना बहुत जरूरी है, या उस घटना को होते हुए उसने देखा। क्रूरता ऐसी बात नहीं है जिसको बातों में बयान किया जा सके, और जब वो घटना के बारे में पत्नी ने कभी भी किसी को बताया तो उन्होंने हमेशा रिएक्ट क्यों नहीं किया? इतने लोगों को बता रखा है, किसी एक ने तो रिएक्ट किया होता, मान लीजिए पुलिस में नहीं गए पर आपको तो डराते धमकाते, आपको तो गालियां बकते। कई बार कई लोग ये भी कह देते हैं झूठी गवाही के अंदर कि साहब हम वहां गए थे उस शहर में। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट मैंने एक केस में किया था कि वहां पर यह कह दिया था कि किस डेट को गए थे, अब लगा कि क्या पता कर लेंगे, डेट बोल दी। अब उस डेट पे हमने सेक्शन 91 CRPC के लिए निवेदन किया कोर्ट से, कोर्ट ने रेलवे का जिसका वो टिकट बता रहे थे कि मैंने रेल से रिजर्वेशन करा के मैं वहां गया था, तो उस रेलवे डिपार्टमेंट से बकायदा उस दिन जिस गाड़ी की उन्होंने जिक्र किया था वहां से उसकी सूची मांगी गई, और वहां पर उन जनाब का कहीं भी नाम नहीं था। तब पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने खुद ने ही मान लिया कि हाँ साहब मैंने झूठ बोला। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह से आपके खिलाफ झूठी गवाही अगर साबित हो रही होती है और आप इसे बता सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको करना यह है कि एक तो 340 CRPC के अंदर इस केस को ले जाइए, ये आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, इसलिए मैं एक एक करके कभी और बता दूंगा कि इंटरेस्टेड विटनेस का पार्ट टू हम लोग बना देंगे कि 340 CRPC में आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, आप आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बना सकते हैं, बहुत अच्छा केस बनता है कि ये सब लोग मिलकर मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ प्रताड़ित करने और झूठे केस में फंसाकर जेल कराने के पीछे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरह का बोगस केस बनाने में बकायदा आप जो IO साहब हैं उनको भी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि IO ने इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि ये लोग किस तरह से गवाह बन सकते हैं, बस डायरेक्ट उनकी बयानबाजी को ही गवाही मान लिया गया, उसको क्रॉस समझने की कोशिश ही नहीं की। जो आदमी आपके घर में रहा ही नहीं वो गवाह कैसे बन सकता है? क्योंकि ये घटना ऐसी है कि पत्नी का हाथ छील दिया, जला दिया, हाथ तोड़ दिया, शरीर में के अंग भंग हो रहे हैं किसी तरह से, या फिर वो इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है कि आत्महत्या की कोशिशें कर रही है, तो ऐसी चीज़ तो ससुराल में हो रही है, पीयर से बैठे बैठे कैसे देखा जा रहा है, कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि दोस्तों अगर आपने इंटरेस्टेड विटनेसेस को काटा तो मैं आपको शर्तियां बता रहा हूं, केस कोई भी हो ये पूरा केस उल्टा चलने लग जाएगा। जिन लोगों ने आप पे केस लगाया है वो लोग ही इसके अंदर बकायदा मुद्दा ही बन जाएंगे, बकायदा रिस्पॉन्डेंट बन जाएंगे, उनको इसके अंदर अब जवाबदारी देनी पड़ेगी और उलझेंगे, बहुत बुरा उलझेंगे। जितना आसान वीडियो में सुनना लग रहा है उतना ही आसान है इसको प्रैक्टिकल में करना।
अब अक्सर कई लोग हैं जो हताशा से भरे रहते हैं, उनके कमेंट्स भी इस तरह के आते हैं कि नहीं साहब हम तो जो है ऐसे ट्राई कर दें, यहाँ करने में कुछ और है, जज साहब तो सुनते नहीं। आप इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं लोअर कोर्ट्स के बयानबाजी पे? जजेस अगर आपके खिलाफ हैं, बैन चेंज कराइए, कोर्ट कोई आप बड़ी पकड़िए जिसमें अपील करके आप अपनी बात रखवा सकें। लड़ना आप चाहते नहीं है, यहाँ के बयान करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ जो सही बात बताई जा रही है वह गलत हो सकती है, पर जो अगर लड़ना चाहता है इसको यूज़ कीजिए दोस्त, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे कमेंट्स भी ज़्यादा आते हैं, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा है कि आपका वीडियो देखकर हमने अपना केस सॉल्व कर लिया या हमें अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप उन लोगों पे फोकस कीजिए, और इसी उम्मीद में आपसे कमेंट सेक्शन में उम्मीद करूंगा कि आप ये लिखकर जाएंगे कि इस वीडियो से आपने आज क्या सीखा और क्या लाभ लेने वाले हैं अपने केस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोगों को पहुँचा दीजिए।